वेलकम टू माय चैनल AH असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप तमाम स्टूडेंट्स के, चाहे आप प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स हैं, 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं या 9th, 10th, 11th, 12th पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा ताकि हर कंफ्यूजन, हर बात आपको क्लियर हो जाए। IBCC चेयरमैन की तरफ से बहुत बड़ा इंटरव्यू सामने आया है, हर बात को क्लियर कर दी गई है। क्या है लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, स्टेप वाइज बात करेंगे, हर बात को क्लियर करूंगी जो फाइनल डिसीजन सामने आए हैं। IBCC चेयरमैन की तरफ से मुसलसल इख्तलाफात किए जा रहे हैं कि एग्जाम्स 3 पेपर्स का नहीं होना चाहिए बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैसे लगाए जाएंगे, कैसे नहीं, वो सारी डिटेल्स चल रही हैं, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती चलूं, ये सब बात बिल्कुल फेक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है इस हवाले से। IBCC चेयरमैन ने खुद लाइव आके अपना प्रॉपर इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने एक एक बात को क्लियर कर दिया है। और सबसे पहली बात उन्होंने ये क्लियर की है कि 3 सब्जेक्ट्स का पेपर होने में उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। प्रॉपर जो हुकूमत ने डिसाइड किया है उस पर वो इत्तफाके राय देते हैं, साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं उनके हवाले से मार्किंग करने का प्रॉपर क्राइटेरिया बना लिया गया है। सो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब काइंडली आप इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ना आप इस बात के बारे में सोचें, ना किसी और न्यूज पे फोकस करें कि आपके एग्जाम सिर्फ 3 पेपर्स या 4 पेपर्स के नहीं बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे, इस हवाले से कोई और फैसला लिया जाएगा या आपकी प्रमोशन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपके एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे, मैट्रिक के 3-4 सब्जेक्ट्स के और इंटरमीडिएट के 3 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। होप सो ये आपको इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, जैसे कि स्टूडेंट्स का बार बार सवाल आ रहा था कि क्या सिलेबस रिड्यूस सिलेबस में से ही पेपर होगा या नहीं होगा, सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपके पेपर सिर्फ रिड्यूस्ड सिलेबस में से ही होंगे। IBCC चेयरमैन ने इंटरव्यू देते हुए क्लियर बताया है कि आपकी सहूलत के लिए ये 3 मेजर फैसले लिए गए हैं, जिनमें पहला फैसला ये है आपके एग्जाम्स को डिले कर दिया गया है, जून के एंड की जगह 10 जुलाई के बाद मुनक्किद होने वाले हैं आपके तमाम एग्जाम्स। नंबर 2, आपका जो तमाम पेपर्स हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में से आएंगे। नंबर 3, टाइम की शॉर्टेज, क्लासेस ना प्रॉपर होने की वजह से, कोविड-19 की होने की वजह से आपके सब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपने पेपर देने हैं। होप सो ये बातें आपको 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स को क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंप्रूवमेंट और स्पेशल एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या अपडेट है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से ये अपडेट है कि उनकी तमाम की यूनिवर्सिटीज आज 7 जून से दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। अब ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि क्या उन्होंने एग्जाम्स ऑनलाइन लेने हैं या फेस टू फेस कंडक्ट करने हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो जिनके एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं वो ले रहे हैं ऑनलाइन, बाकी कुछ पे डिपेंड करता है कि वो फेस टू फेस लें या ऑनलाइन लें, और मुतलका हर यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन उस हवाले से इशू कर देगी और AHA असिस्टेंट्स आपके साथ शेयर करता रहेगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि इंप्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं, जो स्टूडेंट्स डबल मेहनत करते हैं, जो अपने एग्जाम्स अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आजकल वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में देना था। अब सिचुएशन क्या है कि कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर तो हो नहीं रहे, तो अब ऐसे सिचुएशंस के लिए क्या फैसला सामने आया है, क्या सिचुएशन है, किस तरह से उनका एग्जाम लिया जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स, उस हवाले से जो लेटेस्ट न्यूज और जो IBCC चेयरमैन की तरफ से अहकाम जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका कहना यह है कि पहले ये मेजर एग्जाम हो जाए, उसके बाद जो इम्प्रूवर्स हैं या जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने वाले हैं वो चंद एक स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बाद में टोटल देखा जाएगा कि उनकी कितनी तादाद है, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सिचुएशंस इस काबिल हैं कि उनके एग्जाम्स लिए जा सके या उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए ग्रेस मार्क्स देकर।
अब डियर स्टूडेंट्स जो बात है इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम स्टूडेंट्स की, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी को जारी रखें जब तक कोई खत्मी फैसला नहीं होता। जैसे ही ये मेजर एग्जाम्स खत्म होंगे आपके लिए कोई फाइनल फैसला कर लिया जाएगा। अगर तो आपके किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली है या इलेक्टिव सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के दे रहे हैं वो तो आप अभी दे लें, लेकिन अगर आप कोई सिर्फ और सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको इंतजार करना होगा गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी न्यू क्राइटेरिया के लिए, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो मैं उससे आपको लाजमी आगाह कर दूंगी और कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। AHA असिस्टेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि तमाम रियल और ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।